मैं यहाँ गड्ढा बनाने जा रही थी और ये मुझे दिखी नहीं, क्योंकि ये और यहाँ चल रहे हैं हमारे लालू महाराज। प्रकृति के कलर्स ही देखो, ग्रीन, ऑरेंज, येलो। बस खराब हो गई है, ये पूरी टेढ़ी हो चुकी है। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हो आप सभी? होप आप सभी बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत है आप सभी का इन खूबसूरत से पहाड़ों से। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 11 बजे से। ऐसा इसलिए क्योंकि सुबह से घर के जो भी काम रहते हैं वो सब मेरे पास करने के लिए थे। और अभी मैं सोच रही हूँ कि धनिया बीज देती हूँ। वैसे मुझे लहसुन भी बीजनी थी, पर लहसुन का हमारे पास बीज नहीं है। और मेरी गाय को इग्नोर करना, एज यूजल ये भौंवा कर रही है। तो मैं अभी धनिया बीजूंगी। मेरे पास थोड़े से कपड़े हैं, वो मैं फिनिश कर देती हूँ। थोड़े बहुत रह गए, मैंने मशीन में डाले हैं, वो धोने के हैं। बाकी उसके बाद मैं धनिया बीजूंगी। और फिलहाल अभी पापा मुझे कॉल कर रहे नीचे से, पापा खेत में है कि पानी लेके आओ। तो पापा के लिए चलते हैं पानी लेकर। कपड़े तब तक मशीन में हो जाएंगे, फिर उनको करते हैं, उसके बाद धनिया बीजते हैं। क्यों भाई क्यों, क्या हो गया, क्यों भौंवा करी है गंदी कहीं की? मम्मी ने आज इसको यहाँ देखो सूखा घास डाला था, क्योंकि इसके ना दस्त लग गए हैं। तो हरा घास खा खा कर मम्मी बोल रही थी कि सूखा खाएगी तो थोड़ा ठीक हो जाएगा इसका पेट, पर नहीं, इसने वो साइड कर दिया, यहाँ से वहाँ कर दिया साइड में, और खुद भौं भौं कर गया। और ये पापा ने जो कल खूंटा लगाया था इसके लिए, उफ कान खा लिए भाई। जो पापा ने कल खूंटा लगाया था वो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। और मुझे कुछ भी नहीं मिला पानी ले जाने के लिए, जग और क्या बोलते हैं बोतल वगैरह, तो मैं इस लोटे में लेके जा रही हूँ। इतना शायद काफ़ी होगा पापा के लिए। और यहाँ चल रहे हैं हमारे लालू महाराज। हाय लालू, हाय लालू। बिजी है पूरा पूरा घास खाने में, और इसको ना ऐसे खुला ही छोड़ा है, इसको बांधा हुआ नहीं है, तो ये ऐसे खा रहा है। और जो छोटे छोटे सेब होंगे ना, ये ना उनको भी खा जाता है, तो इसको देखना पड़ता है कि कहीं ये सेब ना खा ले। इसलिए पापा इसके साथ है, साथ में नीचे ऐसे अपना टाइम पास के लिए गड्ढे कर रहे हैं सेब लगाने के लिए। आगे फैब में लगने, आई थिंक फैब तक लगते हैं, मुझे नहीं पता कब तक लगते हैं, शायद फैब तक ही लगते होंगे। तो इसको देखने के साथ साथ खाली क्या ही बैठना था, तो पापा गड्ढे कर रहे हैं। इधर किए पापा ने गड्ढे, तीन चार ही किए, तीन चार कल किए थे, तीन चार परसों किए थे, ऐसे ऐसे करके थोड़े थोड़े से, जी इतने इतने से गड्ढे किए अभी तो इस शावल से, ये स्पेशल गड्ढे करने के लिए। मैं यहाँ गड्ढा बनाने जा रही थी और ये मुझे दिखी नहीं, क्योंकि ये ना ऐसे घास के बीच ऐसे बिल्कुल रोल हुई हुई थी, और जब मैंने इतना गड्ढा बना दिया था तब दिखी, और ये मुझसे कट गई है। पर इसकी जड़ें ठीक है अभी, तो इसको रहन दो भाई। और इधर मम्मी काट रहे गाय के लिए घास, पर दिख ही नहीं रहे, झाड़ियों के नीचे दिख गए, क्योंकि वो भौं भौं कर रही है। अभी आए मम्मी, और मम्मी ने इतना तो काट भी दिया। स्पीड देख रहे हो मम्मी की स्पीड। ऊपर के लिए हम ले जाएंगे ये पुलटा, वरना हमारी गाय कान खा लेगी। से ही मैं धनिया बीजना मतलब जाने वाली थी खोदने के लिए, तब तक दादी चाची और आगे बैठने के लिए, तो उनके साथ बैठ गई उनके लिए चाय वगैरह बनाना। तो मैं ऐसे ही बिजी हो गई तो धनिया नहीं बीज पाई, और इसके बाद मुझे रोडू जाना है, तो आज मुझे लगता है नहीं बीज पाऊंगी। इसके बाद आऊंगी मैं उसके लिए, दिवाली के लिए, तब बीजूंगी। और इधर ऊपर ना कहाँ दिख रहे हैं, बहुत सारे गरुड़ कौवे उड़ रहे हैं। क्यों उड़ रहे ये? मतलब कुछ है शायद, उस नाले में मरा हुआ हो गया कुछ है, बहुत सारे उड़ रहे। मेरा ध्यान इधर चला गया था, तो देखते हैं। अभी देर तो बज गया है, मैं जाऊं या नहीं। मम्मी और दादी मना करे कि मत जा। कितना सुंदर लग रहा है भाई प्रकृति के कलर्स ही देखो, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, हर कलर का, और ऊपर नीला आसमान, इतना सुंदर लग रहा है ना। और इधर रास्ता, मैं अभी जा रही हूँ रोडू के लिए, और मेरे पास ना इतना सारा सामान है, ऊपर से मेरे पैर में चोट भी लगी है, तो मैं चल नहीं पा रही हूँ। तो मूड भी ख़राब था घर से आते हुए, मम्मी और दादी भेज नहीं रहे थे। और अभी मैंने ये व्यू देखा ना, वाह
दिल खुश हो गया ये देखकर, मतलब मज़ा ही आ गया। ग्रीनरी जा रही है और पतझड़ आ रहा है, पर जो अभी कलर्स है ना पेड़ों पर, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स है, उनको देख के तो मज़ा ही आ गया। आजकल सारे घास लाने पे लगे घर, एक गाड़ी घास की यहाँ खाली हो रही है और एक गाड़ी यहाँ, इधर से धूप पड़ रही, दिख ही नहीं रही, दिख रही है, एक गाड़ी यहाँ खाली हो रही है। सारे सर्दियों के लिए घास घर ले आ रहे हैं, और बस भी आ चुकी है पर यहाँ गाड़ी खड़ी है तो यहाँ स्पेस नहीं है अभी, ये जल्दी जल्दी खाली हो जाए फिर आएगी। और इधर तो पता नहीं है स्पेस इन दोनों के बीच में कि नहीं है। मैं रोडू जाऊं और कुछ होना ऐसा हो नहीं सकता। बस खराब हो गई है, ये पूरी टेढ़ी हो चुकी है, मतलब इसका पता नहीं क्या निकल गया तो ये टेढ़ी हो गई है, इसलिए ये नहीं जा रही है, ये परे साइड में लग जाएगी। फाइनली मैं रूम तो पहुंच गई थी और मुझे ना काफ़ी ज़्यादा थकान हो गई थी, तो मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया और मैंने डिनर भी कर लिया है क्योंकि मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी। मैं लंच किए बिना ही आई थी घर से, और काफ़ी टाइम के बाद आज मेरे साथ कौन है, गंदी बात, कौन हो आप? मेरे साथ है एविक और मैं करती हूँ आज के ब्लॉग की एंडिंग। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो क्या करना है, जोर से बोलो। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना, और क्या करना, लाइक कमेंट एंड शेयर। लाइक कमेंट कर देना और शेयर कर देना। बाय बाय।